सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। आप सभी के लिए एक और नई भर्ती यहाँ पे आ चुकी है जो कि एओसी यानी कि आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स में आपकी वैकेंसी रहने वाली है। तो आप सभी को बता दें कि 2023 के बाद 2024 में ये भर्ती आप सभी को देखने के लिए मिल रही है। तो ऐसे कैंडिडेट जो कि इंडियन आर्मी का पार्ट बनना चाहते हैं उन सभी के लिए बहुत ही अच्छी अपडेट है क्योंकि बहुत बढ़िया वैकेंसी आप सभी के लिए रहती है। तो वीडियो को आप लास्ट तक ध्यान से जरूर देखना क्योंकि इसका ऑफिशियल नोटिस आ चुका है। तो पूरी जानकारी मैं आप सभी को प्रोवाइड कराऊंगा, चाहे सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, सिलेबस की बात करें या तैयारी की बात करें, हर एक चीज आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन पर कर ले प्रेस ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ते हैं और पूरी जानकारी आप सभी को देते हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, सारी चीजों को आपको वन बाय वन करके मैं क्लियर करूंगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस बार एओसी 2024 में एक सीट कंफर्म कराने के लिए आप सभी के लिए हम बहुत ही बेहतरीन बैच लेके आ चुके हैं जो कि फायर एंड ट्रेड बैच आप सभी का रहने वाला है आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स के लिए स्पेशली, क्योंकि लाइव बैच रहेगा, फुल सपोर्ट रहेगा, ई नोट्स पीडीएफ आपको मिलेंगे, डाउट सॉल्विंग क्लासेस आपको मिलेंगी और आपके एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग आपकी क्लासेस रहेंगी। आप सभी को बता दें कि अभी के लिए आपका जो ऑफर प्राइस रहेगा, वैसे इसका 599 कोर्स का प्राइस है बट ऑफर प्राइस आपके लिए 299 रुपए रहने वाला है। तो अभी जाके आप फटाफट से एनरोल कर लें ताकि आप इस ऑफर प्राइस में अपने कोर्स में एनरोल हो पाए और इस बार एओसी में एक सीट अपनी कंफर्म कर पाए। ये आप सभी को हमारे एप्लीकेशन स्टडी फॉर ड्रीम्स 2.0 पर देखने के लिए मिल जाएगा, जिसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहां से जाकर आप इस कोर्स में एनरोल हो सकते हैं। मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूँ कि देखो ये जो प्राइस है ना 299 ये अभी के लिए है, बाद में इसका जो प्राइस होगा वो बढ़कर 599 ही हो जाएगा क्योंकि बाद में फिर बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर आपने प्राइस हैक कर दिया। तो ये ऑफर प्राइस है लिमिटेड बच्चों के लिए, जो स्टार्टिंग में कनेक्ट होते हैं वो सभी इसका बेनिफिट ले सकते हैं। एज पर सिलेबस आप सभी का पूरा जो चीजें होंगी वो क्लियर की जाएंगी। आगे बढ़ते हैं तो देखो वैकेंसी यहाँ पे देख सकते हैं, जो आपकी वैकेंसी निकाली गई है टोटल यहाँ पे देख सकते हैं 9 टाइप की आपको वैकेंसी देखने के लिए मिल जाएंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 9 टाइप की आपको अलग अलग वैकेंसी देखने के लिए मिल जाएंगी, जिसमें मटेरियल असिस्टेंट हो गया, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट हो गया, सिविल मोटर ड्राइवर हो गया, टेली ऑपरेटर हो गया, फायरमैन हो गया, कारपेंटर हो गया, पेंटर हो गया, एमटीएस हो गया, ट्रेड्समैन मेट हो गया। सबसे ज्यादा जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड रहते हैं वो 2-3 पोस्ट में रहते हैं, जिसमें से एक पोस्ट आपकी रहती है फायरमैन, दूसरी आपकी रहती है एमटीएस और तीसरी रहती है ट्रेड्समैन मेट। तो यहाँ पे आप सभी को बता दें कि देखो सबसे अधिक वैकेंसी भी इन्हीं की देखने के लिए मिलेंगी। यहाँ पे आप सभी को बता दें कि टोटल जो वैकेंसी निकाली गई है 723 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है, 723 टोटल वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें अगर आप देखेंगे तो फायरमैन की टोटल वैकेंसी 247 और अगर आप देखेंगे यहाँ पे ट्रेड्समैन मेट की जो वैकेंसी वो है 389 और आपकी एमटीएस की वैकेंसी है 11। तो यहाँ पे आपकी जो वैकेंसी है अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की जो वैकेंसी है वो भी आपकी टोटल 27 वैकेंसी है, मटेरियल असिस्टेंट की 19 वैकेंसी है, तो काफी ठीक ठाक वैकेंसी आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। टेली ऑपरेटर ग्रेड 2 की भी 14 वैकेंसी आपको देखने के लिए मिल जाएंगी और आप सभी की जो सबसे मोस्ट फेवरेट जॉब रहती है जैसे फायरमैन, ट्रेड्समैन मेट और एमटीएस, ये यहाँ पे ठीक ठाक वैकेंसी निकाली गई है। सबसे अधिक वैकेंसी ट्रेड्समैन मेट में ही आपको देखने के लिए मिलती है, ये 389 आपकी वैकेंसी रहेंगी, फायरमैन 247 रहेंगे। कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको बता दिया है, सैलरी आप सभी को यहाँ पे दी हुई है किसके लिए कितनी सैलरी आपको मिलेगी। 2 आ जाता है यहाँ पे एज एंड क्वालिफिकेशन आपको क्लियर कर देते हैं कि एज एंड क्वालिफिकेशन इसके लिए क्या रहेगा। तो आप सभी को बता दें कि 2 पोस्ट के लिए यहाँ पे क्लियर है, 3 पोस्ट के बारे में मैं आपको बता दूंगा। देखो यहाँ पे अगर देखेंगे ट्रेड्समैन मेट की जो क्वालिफिकेशन रहेगी इसके लिए सबसे पहले एज क्राइटेरिया देख लो, 18 से 25 साल के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए। वहीं पे अगर मैं फायरमैन की बात करूं तो फायरमैन के लिए 18 से 25 साल तक के कैंडिडेट इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे ट्रेड्समैन के लिए जो आप सभी की एसेंशियल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो 10th पास यानी मैट्रिकुलेशन आप होनी चाहिए। अगर आपने 10वीं पास किया हुआ है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्वालिफिकेशन 10th पास है और एज क्राइटेरिया 18 से 25 साल। इसके अलावा जो रहता है यहाँ पे आप सभी को बता दें डिजायरेबल रहता है, जिसमें सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए किसी भी ट्रेड में आईटीआई से, तो आपको इसमें और बेनिफिट मिल जाता है। इसके अलावा अगर मैं फायरमैन की बात करूं तो फायरमैन में भी आप सभी को बता दें कि मैट्रिकुलेशन होना चाहिए यानी 10th पास आपका होना चाहिए। अगर आपने 10वीं पास किया हुआ है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये चीज यहाँ पे आप सभी की रहती है, एज क्राइटेरिया दोनों का सेम है, क्वालिफिकेशन भी आपकी सेम है। वहीं पे अगर मैं बात करूं एमटीएस, तो एमटीएस के लिए भी आपका 10th पास होना चाहिए और 10th के साथ साथ आपका जो एज क्राइटेरिया रहेगा वो भी आपका 18 से 25 साल ही रहेगा।
अगर मैं बात करूं, देखो अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको 3 साल की छूट मिल जाएगी, अगर आप बिलोंग करते हैं एससी या एसटी कैंडिडेट हैं तो आपको 5 साल की छूट मिल जाएगी। इसके अकॉर्डिंग आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं देखो यहाँ पे फिजिकल टेस्ट की, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले आप सभी को होता है वो होता है पीएसटी एंड पीईटी। इसके अलावा जो नंबर सेकंड स्टेज पे होता है वो होता है आपका एग्जामिनेशन। रिटन एग्जामिनेशन के बाद 3rd नंबर पे होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। नंबर 4th पे आप सभी का होता है मेडिकल एग्जामिनेशन। तो यही 4 प्रोसेस जो रहते हैं, स्टेज रहती हैं भर्ती के, आप सभी को देखने के लिए मिलेंगी जिससे आप सभी की भर्ती कंप्लीट होगी। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे सबसे पहले आपका पीएससी एंड पीटी यहाँ पे आ जाता है, स्किल टेस्ट आपका आ जाता है। अगर आप ट्रेड्समैन मेट के लिए अप्लाई करते हैं तो इसका देख लो कि इसमें आपको क्या क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे 1.5 किलोमीटर की रनिंग होती है जिसे आप सभी को कितने मिनट में, 6 मिनट में पूरा करना होगा। फिर आप सभी का रहता है कि 50 किलो का वजन लेके आपको दौड़ना है 200 मीटर जिसे आपको 100 सेकंड में पूरा करना होगा। इसके अलावा अगर आगे बढ़ते हैं तो आगे यहाँ पे देख सकते हैं एक्स सर्विसमैन के लिए अलग क्राइटेरिया इसका होता है, और इसके अलावा एज के अकॉर्डिंग उनका निर्धारित रहता है जो भी एक्स सर्विसमैन होते हैं। इसके अलावा फीमेल की अगर हम बात करें तो फीमेल के लिए 1.5 किलोमीटर की रनिंग ही रहती है, लेकिन समय अधिक होता है, 8 मिनट 26 सेकंड में पूरा करना होता है। वहीं पे अगर हम बात करें वेट की तो 50 किलो वजन रहेगा, लेकिन 200 मीटर के लिए समय दिया जाता है 3 मिनट 45 सेकंड, यानी 225 सेकंड में ये दूरी तय करनी होती है। अगर आप अप्लाई करते हैं फायरमैन के लिए, तो फायरमैन के लिए आप सभी को बता दें कि जो आपकी लंबाई होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं पे अगर मैं बात करूं देखो ट्रेड्समैन मेट के लिए कोई हाइट वगैरह की जरूरत नहीं है, आपकी कितनी भी लंबाई है आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिसमें सबसे अधिक वैकेंसी है। तो हाइट होगी 165 सेंटीमीटर, फिर आपका जो चेस्ट होना चाहिए वो होना चाहिए 81.5 सेंटीमीटर, और फ्लाप के साथ होना चाहिए 85 सेंटीमीटर, वेट आपका होना चाहिए 50 केजी। यहाँ पे जो रनिंग होती है वो होती है 1600 मीटर जिसे आपको पूरा करने के लिए 6 मिनट का समय आप सभी को दिया जाता है। आप सभी को बता दें कि इसके अलावा अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं और फायरमैन में अप्लाई करती हैं तो 8 मिनट 26 सेकंड में आपको 1600 मीटर की रनिंग कंप्लीट करनी होगी। एक्स सर्विसमैन के लिए एज के अकॉर्डिंग क्राइटेरिया रहता है। वहीं पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको वजन भी लेके दौड़ना होता है 63.5 किलो, 3.5 केजी, ठीक है, इतना वजन आपको लेके दौड़ना होगा 96 सेकंड में, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आप सभी को एक गड्ढा भी कूदना होता है जो कि 2.7 मीटर का होता है, ये गड्ढा आपको कूदना होगा। इसके अलावा आपका रहता है 3 मीटर वर्टिकल रोप, एक रस्सा होता है 3 मीटर का जिसे आपको चढ़ना होता है, ये ऊपर टंगा होगा इस तरीके से आपको इस पे चढ़ना है। तो ये आप सभी का रहता है फिजिकल, दोनों का मैंने आपको बता दिया है। इससे आगे अगर मैं बात करूं रिटन एग्जामिनेशन का सिलेबस समझ लो, तो रिटन एग्जामिनेशन में देखो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 50 क्वेश्चन रहते हैं, 50 मार्क्स दिए जाते हैं। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी मैथमेटिक्स 25 क्वेश्चन रहते हैं, 25 मार्क्स आपको दिए जाते हैं। जनरल इंग्लिश के 25 क्वेश्चन रहते हैं, 25 मार्क्स दिए जाते हैं, और जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन रहते हैं, 50 मार्क्स दिए जाते हैं। यानी टोटल क्वेश्चन पूछे जाते हैं 150 मार्क्स आपको दिए जाते हैं, ये आपका सिलेबस है। चलिए आपको बता दें कि यहाँ पे 2 घंटे का समय आप सभी को दिया जाता है, ऑफलाइन आपका पेपर होता है, वायल एंगल आपका पेपर होता है, इसमें आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपका पेपर होता है। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर कर दी है। नेगेटिव मार्किंग 0.25 की रहती है, यानी 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहती है। प्रत्येक गलत उत्तर पर 0.25 अंक जो होते हैं वो आपके डिडक्ट कर लिए जाते हैं। तो ये हो गई आपकी सिलेबस की बात। इसके अलावा यहाँ पे आप वैकेंसी देख सकते हैं और नोटिफिकेशन भी आपको दिख रहा होगा जिसमें एडवर्टीजमेंट नंबर AOC CRC 2024 अक्टूबर AOC 03 यहाँ पे नोटिफिकेशन देख सकते हैं। इंडक्टिव एडवर्टीजमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, तो फिलिंग अप द डिफेंस सिविलियन पोस्ट एट वेरियस यूनिट्स रिपोर्ट इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं, यहाँ पे वैकेंसी की डिटेल्स दी गई है, सारी चीजें आप सभी को देखने के लिए मिल जाएंगी। ये रीजन वाइज भी आपको वैकेंसी बता दी गई है कि कौन से रीजन में कितनी वैकेंसी रहने वाली है, क्योंकि इसकी जो वैकेंसी होती है वो रीजन वाइज आपको देखने के लिए मिलती है। आपको बता दें कि इसका जो शॉर्ट नोटिस है वो जारी हो गया है, 21 दिन का समय मिलता है इसके लिए फॉर्म अप्लाई करने के लिए। तो इसका फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, ऑनलाइन इसका फॉर्म अप्लाई होगा, और कैसे इसका फॉर्म अप्लाई होगा उसकी भी वीडियो आप सभी के लिए बना दी जाएगी। उसके बाद ही आप इसका फॉर्म अप्लाई करिएगा जिससे कि आप सभी को समझ में आ जाए कि किस तरीके से इसका फॉर्म अप्लाई होता है। तो सारी चीजें आप सभी को बता दी जाएंगी। फिलहाल के लिए शॉर्ट नोटिस आ गया है तो आप इसके लिए तैयार रहिए, एग्जामिनेशन वगैरह की तैयारी करिए, फिजिकल की तैयारी करिए। एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करने के लिए जो बैच है सभी बच्चे कनेक्ट हो जाना, आपको बहुत ही कम प्राइस में बैच देखने के लिए मिल जाएगा। फिर बाद में इसका जो प्राइस होगा वो हाइक हो जाएगा, अभी आपको केवल
299 में ये बैच देखने के लिए मिल जाएगा, तो सभी जाके एनरोल हो जाएं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उम्मीद है चीजें क्लियर हो गई होंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।